हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल से कुछ वैकेंसीज़ के अपडेट लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल से बहुत अच्छी रेपूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ एंड अदर स्टेट से भी रेपूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी मैं चैनल पे दे चुकी हूँ। एंड आप लोग नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे जा करके देखिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहली वैकेंसी आई हुई है, देखिए, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, जो कि आई हुई है अगरतला आमताली त्रिपुरा से ये वैकेंसी आई हुई है। अर्जेंटली रिक्वायर्ड फैकल्टीज़ इन यूजी एंड पीजी एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए यहाँ पे रिकमेंड है। देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर का बायोकेमिस्ट्री में एक, फूड एंड न्यूट्रिशन में एक, फिजियोथेरापी ऑर्थोपेडिक के लिए एक, न्यूरोलॉजी के लिए एक, मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकमेंड है, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थामोलॉजी के लिए एक रिकमेंड है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक रिकमेंड है। सैलरी यहाँ पे देखिए, एज़ पर स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दी जाएगी। बैचलर क्वार्टर फॉर आउटसाइड कैंडिडेट्स, ईमेल करना होगा आप लोगों को, सीवी यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ ही आप लोग दीजिएगा। और सीवी आप लोगों को सेंड करना होगा info@tipsindia.co.in पे, विद इन 10 डेज आप लोगों को ये सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से ये वैकेंसी आई हुई है त्रिपुरा से। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है, देखिए, गुरुकुल विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल से ये वैकेंसी आई हुई है। ये है जोका से, कोलकाता से ये वैकेंसी आई हुई है। आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये मुझे थोड़ा भूल हो गई है। तो ये जो त्रिपुरा से वैकेंसी है, ये तो वेस्ट बंगाल से नहीं है दोस्तों। तो आप लोग सॉरी फॉर द रॉन्ग अपडेट। ये त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से है, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, बट ये वेस्ट बंगाल से नहीं है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है गुरुकुल विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल से है दोस्तों। ये है जोका कोलकाता से। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वांटेड पीजीटी मैथ्स एंड अकाउंट्स फॉर टीचिंग सीनियर क्लासेस एंड 1 BPED अर्जेंटली यहाँ पे रिकमेंड है। एप्लीकेंट्स में सबमिट बायोडाटा पर्सनली और मेल आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों का बायोडाटा एडमिशन gvmss@gmail.com पर, ठीक है। वैकेंसी आई हुई है गुरुकुल विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल से, जो कि कोलकाता से आई हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है दोस्तों सेंट हेलेन स्कूल से। ये रानी शंकरी लेन कोलकाता से आई हुई है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगी मंडे टू फ्राइडे से 2 बजे से 5 बजे तक। तो देखिए, यहाँ पे रिकमेंड है एडुकेशनल कोऑर्डिनेटर, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस टीचर, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन फॉर लीगल एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, लेडी फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये सब का रिकमेंड है सेंट हेलेन स्कूल के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है, आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे के अंदर 2 बजे से 5 बजे तक पहुँच जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट हेलेन स्कूल से ही, यहाँ पे ड्राइवर एंड अदर्स बॉडी केयर टेकर, हेल्थ केयर टेकर के लिए रिकमेंड है लेडीज़ का। सिक्योरिटी गार्ड का रिकमेंड है, एज 40 अप्रोक्स होना चाहिए। रानी शंकरी लेन कोलकाता से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे भी आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे के अंदर 2 बजे से 5 बजे तक पहुँच जाना है। और एक है यही स्कूल से दोस्तों, स्कूल का कैंटीन चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड एक पर्सन का रिकमेंड है यहाँ पे, हाजरा एंड सोनारपुर के लिए दोस्तों। फ्राइडे टू मंडे आप लोगों को पहुँच जाना होगा सेंट हेलेन स्कूल में, रानी शंकरी लेन। ये जो पता दिया गया है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, 2 बजे से 5 बजे तक आप लोगों को पहुँच जाना है दोस्तों। तो ये थी आज की वैकेंसीज दोस्तों। बहुत सारे वेस्ट बंगाल से वैकेंसीज आ चुकी है एंड फ्यूचर में भी आएगी दोस्तों, मैं अपडेट देती रहूँगी। एंड अदर स्टेट्स के लिए भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। खुद अपनी स्टेट में शायद अच्छी सैलरी, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों को अदर स्टेट्स में भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी सैलरी अगर आप लोग चाहते हैं, अच्छी पोजीशन चाहते हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन भी आप लोगों को कुछ कुछ स्कूल में मिल सकती है, तो ये सब के बारे में मत सोचिए दोस्तों। एंड अप्लाई इन एनी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।